नाम भी बुद्धा स्मृति पार्क और देख सकते हैं चित्र भी महात्मा बुद्ध की। क्या लाजवाब पिक्चर है, जूम करके दिखाता हूँ। पूरा ये पार्क जो है ना महात्मा बुद्ध के हिस्टिकल पे जुड़ा हुआ है। और इधर गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका भाई का आप लोग को पता है कि पटना सीरीज चल रहा है अभी, और पटना सीरीज में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे, और आई होप कि आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से मज़ा आ रहा होगा। तो फिलहाल अभी ये तीसरा वीडियो है पटना सीरीज का, और आज हम कवर करने वाले हैं बुद्धा पार्क, जो कि हमारे पीछे है बुद्धा पार्क, और इसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए अभी पार्क के अंदर चलते हैं, और क्या है अंदर में, क्या सीन है, जो लोग देख रख सके हैं उनको लिए तो एक अपडेट होगा, और जो लोग नहीं देखे हो उनको एक इंटरटेनमेंट होगा। तो अभी पार्क के अंदर चलते हैं और सारा अपडेट देते हैं, और देखते हैं क्या है नहीं है, वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए। आईडी यहाँ पे दिखता होगा, वहाँ पे जाके आप लोग मैसेज किए मुझे, इस सीरीज के बारे में पूछिए, सारा जो भी पूछना हो हम लोग वहाँ आपस में बातचीत करते रहेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। एंट्री करने से पहले आपको यहाँ पे टिकट वगैरह लेना होगा, जो कि अलग अलग रेट में मिलते हैं, जो कि जैसे कि पार्क के अंदर म्यूजियम स्तूप सारे हैं, पूरे म्यूजियम स्तूप पुस्तकालय सारे अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको 50 रुपये की जगह चार्ज किए जाएंगे। बट म्यूजियम में जो है कैमरा अलाउड नहीं है, कई जगह कैमरा अलाउड नहीं है, तो लेकिन फिर भी शूट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो है टिकट भी ले लिए, और मुझे भी 50 रुपीज़ लगे हैं। तो चलिए अभी फिलहाल एंट्री करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एंट्री करते हैं जस्ट सामने गेट है, और एंट्री करेंगे आपको बगल में एक छोटा सा जो जगह दिया गया है, जहाँ पे आप बैग वगैरह कुछ भी लेके आते हैं तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और ये चीज़ अनिवार्य है, किसी को भी अलाउड नहीं है कैमरा और बैग वगैरह ले जाना, उस सामान जो है यहाँ पर रख सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे रख के उसके बाद आप लोग पार्क का एंजॉय कर सकते हैं। पार्क में अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और एंट्री के जस्ट आते हैं एक ऐसा मस्त सा चीज़ देखने को मिला है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये रहा वो चीज़ देख सकते हैं, फूलों को बगीचे को काट कर लिखा गया है बुद्धा स्मृति पार्क। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं ये चीज़ अच्छा से आपको दिखा पाता, और मैं तो अभी फ़िलहाल जो है फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ तो अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ दिखाने को। और पार्क में जगह जगह जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप किधर से आप इसको जा सकते हैं, तो जो जैसा कि इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं दिखाया गया है इधर से जाने को, पीने का पानी और भी सारा व्यवस्था किया हुआ है। पार्क में क्या है नहीं है सारा चीज़ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आपको आइए ना आने के बाद ये चीज़ सुविधा होगा कि आप लोग खोजना नहीं पड़ेगा, खुद से खुद जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको है वैसे वैसे चलिएगा और अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। जी जैसे ही आप करेंगे और करने के बाद जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जस्ट साइड में ये है बुद्धा स्मृति म्यूजियम, जो कि अभी मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पे कैमरा अलाउड अंदर नहीं है तो इसलिए शूट नहीं कर पाऊँगा, बट आने के बाद आपको एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा। पार्क वालों ने कितना ध्यान रखा है, पीने के लिए पूरा शुद्ध पानी, और उसमें भी इतना ठंडा कि पूछिए मत, बहुत ठंडा यार, पीने के बाद ना माउथ में इतना कनकनाहट सा पैदा हुआ, क्या बोले, बहुत ठंडा है। और अभी हम जस्ट म्यूजियम से निकले, वीडियो में तो नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, बट म्यूजियम में जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ थी, और पुराने उनका उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सारा, मतलब कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ था, स्टैचू वगैरह थे, यही सब सारे चीज़ थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों ने ऐसा मना किया और ऐसा क्यों इंट्रक्शन लगा रखे हैं कि मतलब कैमरा अलाउड नहीं यार, करना चाहिए सब चीज़, बट उन्होंने नहीं किया, बट कोई नहीं। अभी हम फिलहाल पार्क के अंदर है पीछे वाले एरिया में, और देख सकते हैं कैसा एरिया है, और वैसे बस घूम रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है, और कुछ खास होता है तो ज़रूर आपको अपडेट करते हैं। भाई साहब कपल के लिए ये पार्क तो इतना मस्त है ना,
मत पूछिए, हमेशा जिस जगह जाइए प्राइवेसी प्राइवेसी। देख सकते हैं पीछे भी कितने सारे कपल वगैरह बैठे हुए हैं, आराम से मजे कर रहे हैं। नाम भी बुद्धा स्मृति पार्क और देख सकते हैं चित्र भी महात्मा बुद्ध की। क्या लाजवाब पिक है, जूम करके दिखाता हूँ। पूरा ये पार्क जो है ना महात्मा बुद्ध के हिस्टोरिकल पे जुड़ा हुआ है, और इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं और मस्त बनाया हुआ है। छोटा सा ऊंचा स्थान है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और मज़े कर रहे हैं अपने एंजॉय। शाम के टाइम में रस रहता है, बाकी टाइम में रस रहे या ना रहे, बट शाम के टाइम में बहुत रस रहता है यहाँ पे। पटना के हर पार्क में आपको मैं बताया था कि एक फुहारे टाइप का पानी जैसा तालाब छोटा सा जरूर होगा, और देख रहे हैं उसका उदाहरण भी। पिछले भी गोलघर का जो भी था पार्क उसमें भी था और यहाँ भी है, बट पता नहीं फुहारा चलता कभी नहीं है। मैं जब भी आया, पिछले बार भी बुद्धा पार्क आया, तब भी नहीं चल रहा था और आज भी नहीं चल रहा है। अभी हमें एक फोर्ट दिखा है और बहुत पुराना वो फोर्ट है, दिखाते हैं क्या है नहीं है पता नहीं मुझे, लेकिन एक फोर्ट टाइप का है। चलिए पहले देखते हैं क्या है नहीं है। तो ये है वो फोर्ट जो मुझे दूर से दिखाई पड़ा था, और जल्दी से मैं इसको देखने के लिए आया हूँ। जाने का अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, पता नहीं कैसे जाता है, लेकिन दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, और ये जेलर के जैसा लग रहा है। आई थिंक ये सारा चीज़ तो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में जेलर जेल में रहता है, बड़े बड़े जेल होते हैं वहाँ पे रहता है गार्ड के लिए ऐसा। और इसके जस्ट पीछे में पार्क का लास्ट स्टॉप पॉइंट है, जो कि काफ़ी प्राइवेसी है, देख सकते चारों ओर पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और जगह जगह पर बैठने वाले पॉइंट जो बनाए हुए हैं, जो कि लोग बैठ के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो यार चलते चलते मैं बहुत थक गया था, और अभी एक जगह बैठ चुके हैं और पीछे महात्मा बुद्ध का प्रतिमा लगा हुआ है और ब्लैक ब्लैक है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी लाजवाब लग रहा है। थोड़ा सा बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर आगे आप एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले जो बुद्धा पार्क का शांति स्तूप है उसको देखते हैं, क्योंकि जिसके लिए पार्क ये सबसे प्रसिद्ध है। पटना में अगर बुद्धा पार्क प्रसिद्ध है तो मात्र शांति स्तूप के लिए, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए अभी उसको जल्दी से कवर करते हैं और उसके चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं, पीछे का नज़ारा क्या है वहाँ का सारा चीज़ दिखाते हैं आपको। तो अभी फ़िलहाल जो है शांति स्तूप के पास आ चुके हैं, और मेरा मेरे पीछे शांति स्तूप, और सबसे पहले ऊपर चलते हैं, और यहाँ से जो सनलाइट आ रहा है ना भाई साहब, इतना लाजवाब लग रहा है ना, क्या बताएं। और ऊपर से एरोप्लेन जाता है, इतना आवाज़ करता है, क्या बताएं। तो चलिए अभी सबसे पहले शांति स्तूप को कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो भी अलाउड नहीं है, मना कर रहे हैं, मैं फिर भी ज़बरदस्ती शूट कर रहा हूँ, बंद करने का लगता है। बुद्धा पार्क के स्तूप के ऊपर से अगर पार्क को देखें तो कुछ ऐसा दिखता है स्तूप, और काफ़ी अच्छा लगता है, ख़ास करके इस वाले एरिया में ना बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह पे बैठने का जगह, और कपल वगैरह जब और पार्क में होते हैं, और रंग बिरंगे फूल वगैरह जब होते हैं, जैसे कि उधर इधर सारा फूल वगैरह लगे हुए हैं, सारा बहुत अच्छा लगता है। और बीच बीच में ये पानी का जो है ना जो चल रहा है ना तालाब, जैसे छोटा सा तालाब, और ऊपर देखिए एरोप्लेन जा रहा है, काफ़ी आवाज़ करता है हमेशा, बस 5 मिनट पर जाते रहता है। और पानी का ये चीज़ देखिए, थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको, देखिए फुहारा है बट धीरे से धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ से वहाँ तक फुहारा है बट धीरे धीरे चल रहा है, और काश ये थोड़ा ऊपर तक चलता तो देखने में झरने के जगह काफ़ी मज़ा आता। पार्क का ये वाला एरिया जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ख़ास करके लाइब्रेरी वगैरह हैं, और यहाँ पे पानी अच्छे से चल रहे हैं ना, और ज़्यादा पानी है बस कम ही है, बट खूबसूरती जो बढ़ाता है ना उसका ही सबसे ज़्यादा चर्चा होता है। लेजर शो जब होगा और इस पानी के अंदर जब लाइट जलेंगे और ये पानी जब चमकेगा, उस टाइम का नज़ारा देखेंगे तो भाई साहब आपको एकदम गजब लगेगा ना, क्या ही बताएं।
यह है वो शांति स्तूप जिसका मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था। और देखिए कितना लाजवाब है, चीते का जो बना हुआ है ना वो चीज़, भाई साहब वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा। और हम लोग तो ऊपर गए थे लेकिन वहाँ पे वीडियो शूट वगैरह नहीं करने दिया गया अंदर में, बट जब आप आइएगा तो अच्छा से देख लीजिएगा और फील कर लीजिएगा अंदर क्या है। नहीं है बुद्ध से रिलेटेड सारी चीज़ जो है ना अंदर में अवेलेबल है, कहाँ का क्या मंदिर है, नहीं है श्रीलंका वगैरह जापान वगैरह का हिस्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है, देश से लेकर विदेश तक का हिस्ट्री इसमें दिया हुआ है, समझिए इतना ये हिस्ट्रिकल है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बस इसको कवर कर चुके हैं, तो अपने रूम पे निकलेंगे क्योंकि जो जब शूट वगैरह कंप्लीट हो चुका है तो निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आज 3 वीडियो शूट किया है, आज के दिन में एक दिन में मैंने 3 वीडियो शूट किया है, वो आपको आने वाले समय में बता दिया जाएगा कि कौन सा मैंने वीडियो शूट किया है। लेकिन आज मैंने 3 वीडियो शूट किया और प्लस फ़ोन भी हमारा जो है ना 15% से नीचे आ गया है, तो जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। अब आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।